हेलो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम यहां बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री री मतलब वापस प्रोडक्शन मीन्स किसी नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना या ऑस्फ्रिंग को प्रोड्यूस करना इसे हमने बोला है रीप्रोडक्शन यहाँ हम कह रहे और्गैनिस्म. तो और्गैनिस्म हैं ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आएंगे जो भी आपको आसपास जो भी इंडिविजुअल दिख रहा है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वेदर वो एक प्लांट हो चाहे एनिमल हो एज अ होल हम उनका क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन में हमें क्या दिखता है कि प्लांट रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या हमने बात करी न्यू इंडिविजुअल की मतलब एक पेरेंट प्लांट होगा या पेरेंट एनिमल होगा जिसके अंदर म्योसिस और माइटोसिस की प्रोसेस होगी और इस प्रोसेस से वो एक नया इंडिविजुअल बनाएगा बिल्कुल उसकी तरह आइडेंटिकल या उसके अंदर कुछ वेरिएशन होगा तो हम उसे बोलेंगे कि ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ विद हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन सो प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल और ऑफ स्प्रिंग इन प्लांट विच कैन बी एकलिश बाय अ सेक्शुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल जिसके अंदर सेक्शुअल गैमेट्स इन्वॉल्व है जिसमें एक मेल और एक फीमेल की जरूरत होती है और असेक्सुअल इट मीन अ विदाउट सेक्सुअल मीन्स जिसमें सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है विदाउट सेक्सुअल बॉडीज जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो जो रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना है रिप्रोडक्शन री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस होगा न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल सो so, बार बार जिसके अंदर क्या होगा एक प्रोसेस एक प्रक्रिया है पीढ़ी दर पीढ़ी जहां पर एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बनता है सो so, अब हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है उसके क्या टाइप्स हैं कितने तरह का होता है रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने पेरेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं यदि उसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है यूनी पेरेंट यदि एक पेरेंट तो इन्वॉल्व तो है उसे हम बोलेंगे यूनी पेरेंट तो उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जहां पर बाय पेरेंटल है जहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बेसिस पर रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स यूनिपेरेंट यूनी मतलब वन और बाई पेरेंट बाई मींस टू यूनी मीन्स वन मींस टू जहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है उसमें कैसे रिपोर्डेशन होगा उसके अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होगी और माइटोसिस की प्रोसेस से सेम आइडेंटिकल जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे सो जहां पर वन पेरेंट इन्वॉल्व है वो होगा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन और जहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है वन मेल अनदर वन इज फीमेल और इनके फ्यूजन से जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ असेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है जो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स चाहिए उसके अलावा इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि यहां पर पे दो पेरेंट्स नहीं है एक जो पेरेंट है उसी से क्या हो रहा है जब उसके अंदर डिवीजन होगा और नया इंडिविजुअल बनेगा तो उसके पास जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके जो भी जीन्स हैं जो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए है जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है वही वो पास ऑन करेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सो so, इसलिए इसमें क्या होता है कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होता है जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वही इन्फॉर्मेशन हु बहु नेक्स्ट उसकी पीढ़ी के अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी इसलिए हमने बोला है नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे मतलब जो प्रोजेनी है प्रोजेनी मतलब जो पेरेंट प्लांट है या पेरेंट एनिमल है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन से जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा हुबहू होगा या उसका क्लोन होगा जिसके अंदर जो फिजिकली मतलब बाहर से जो भी उसके आंख है नाक है कान है या बाहर से उसकी जो लीव्स हैं स्टेम्स और रूट्स हैं प्लांट की वो बिल्कुल उसके पेरेंट की तरह उसको रिजेंबल करेगी उसकी तरह दिखेगी इसलिए इसमें क्या होगा जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्लोन्स होंगे अपने पेरेंट्स के उसके अंदर जो सेल डिवीजन जो होगा वो माइटोटिक होगा माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो इक्वेंशियल डिवीजन जहां पर उसी की तरह उसके अंदर आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन तो यहां पर जो सेल जो डिवाइड होंगे उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगी होगी माइटोसिस नेक्स्ट वन इज लार्ज नंबर प्रोड्यूस जो भी असेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो यहां पर जो भी नए इंडिविजुअल बनेंगे या नए प्लांट्स जो भी बनते हैं ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है लार्ज नंबर में उनका प्रोडक्शन होता है इन कंपेरिजन टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे फर्स्ट इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं यदि प्लांट है तो मेल गैमेटोफाइट होगा और फीमेल गैमेटोफाइट होगा जहां पर मेल गैमेटोफाइट जो है वो रिप्रेजेंट होगा एंथर से और उसके अंदर पोलियंस होंगे और फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो रिप्रेजेंट होगा स्टिग्मा से और यहां पर आंसर है जो स्टिग्मा पर पोलिनेशन के थ्रू जाएगा और वहां पर पोलियन ट्यूब से एम्ब्रियो के अंदर उसके अंदर फ्यूजन होगा मेल गैमेट्स का और सिंह और डबल फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन हम बात करें ह्यूमन बीइंग की या एनिमल्स की वहां पर मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जहां पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स स्पम और एग प्रोड्यूस होता है जिनकी फ्यूजन से जायॉर्ट बनता है सो यहां पर क्या चाहिए हमको टू पेरेंट्स चाहिए वन मेल एंड अनदर वन इज फीमेल रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट्स दूसरा इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसमें जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज होती है इसका मतलब ये है कि जो मेल के अंदर कुछ करेक्टर क्योंकि मेल और फीमेल के बीच में फ्यूजन होता है तो कुछ मेल के करेक्टर्स जो हैं और कुछ फीमेल के करेक्टर्स जो हैं वो किस में आएंगे नई प्रोजेनी में या नए या या यंग वन के अंदर जो कुछ करेक्टर्स होंगे वो कुछ मेल के होंगे और फीमेल के होंगे इसका ये एग्जाम्पल है कि कभी भी एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम क्या करते हैं उसकी शक्ल जो होती है वो हम दूसरों के से मिलाने की कोशिश करते हैं हम बोलते हैं कि इसकी जो आईज है वो इसकी ग्रीन पेरेंट्स की तरह है या इसकी जो नोज है वो इसकी मदर की तरह है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं रिजेम्बलेंस ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स में मेल से आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि फीमेल से आते हैं इसलिए हमने बोला एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो क्लोन नहीं होगा पेरेंट का इसका मतलब ये है क्योंकि यहां पर फ्यूजन हो रहा है दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं जहां से कैरेक्टर्स यंग वन के अंदर आ रहे हैं तो यहां पर क्या होगा वेरिएशन होगा मेल के कुछ करेक्टर आ रहे हैं और कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो दोनों की क्या है मिक्सिंग है तो उसके अंदर जो वेरिएशन आया है वो ना तो बिल्कुल अपने फादर की तरह होगा ना बिल्कुल अपनी मदर की तरह होगा तो इसलिए हमने इसको बोला है तो ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट क्लोन ऑफ पेरेंट उनमें वेरिएशन होगा कुछ डिफरेंस होगा नेक्स्ट है जो गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं और जाइगॉट जब बनता है तो जायगोर्ट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो होती है माइटोटिक डिवीजन होते हैं तो पहले जहां तक गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है जहां पर मेगा और माइक्रो गैमेट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके मियोसिस से और उसके बाद जो प्रोसेस हो रही है वहां पर जब जायॉट फ्यूजन होने के बाद जब एम्ब्रियो बन रहा है तो वहां पर कंटिन्यूस माइटोटिक डिविजन होते हैं यहां पर जो नंबर प्रोड्यूस होगा वो नंबर होगा लेस इन कंपेरिजन टू अक्चुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने को देखने को मिला है आसपास आप देखो कि प्लांट है प्लांट से जब सीड और फ्रूट बनते हैं और आसपास आप कई सारे प्लांट उसके नीचे उग जाते हैं लेकिन ऐसा ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में नहीं होता है वहां पर जो उनकी प्रोजेनी होती है उनका नंबर कितना होता है या तो अः uh, वन से लेके इसका वेरिएशन होगा वन टू थ्री फोर या फाइव तो इसके अंदर तो जो नंबर प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है कम जो होता है नंबर वो प्रोड्यूस होता है तो ये दोनों डिफरेंसेस हमने देखे सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो थे ये मेजर डिफरेंसेस थे अब बात है असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उस वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है यूनिसेलिया ऑर्गेनिज्म में ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनका जिनके एक सेल जो है वो पूरा सेल पूरी बॉडी का फंक्शन करेगा वही उसकी सारी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन लोकोमोशन रेस्पायरेशन सारी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा एक इंडिविजुअल सेल होगा उसमें बोलते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इसके एग्जांपल है मोनेर एंड प्रोटेस्टेंस मोनेरास मोनेरास के अंदर आते हैं बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रिमेटिव है उन्हें बोलते हैं आंकी बैक्टीरिया और जो मॉडर्न बैक्टीरिया है उन्हें हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया सो मोनेर के अंदर आएगा बैक्टीरिया जिनके अंदर एक सिंगल सेल जो होगा वो पूरी पावर को कंट्रोल करेगा पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा के अंदर आएंगे आपके क्राइसोफाइस डेनोफ्लाजिलिस ऐसे प्रोटोजोवंस जो कि फ्री फ्लोटिंग होते हैं या एल्गी या जू प्लांक्टन या फाइटो प्लांक्टन्स दूसरे एग्जाम्पल है कुछ ऐसे प्लांट्स है, हैं प्लांट्स में अधिकतर हमको क्या देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट है प्लांट की बड है बड डिटैच हो जाएगी और नया प्लांट बन जाता है या प्लांट है उसके अंदर प्लांट से कुछ एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाएंगी जैसे ही सॉइल को टच करेंगी और एक नया प्लांट बन जाएगा तो ये हमें प्लांट्स में देखने को भी मिलता है कुछ ऐसे सर्टेन एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमें जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल अमीबा है युगलीना है जहां पर फिजन होता है या जहां पर बडिंग होती है प्लेनेरिया जहां पर फ्रेगमेंटेशन देखने को हमें मिलता है तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो दो तरह की होती है असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसके अलावा जो asexual रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हमें कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए हमें मिलती है थैंक यू